हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। वेल दोस्तों, आज का एक बार फिर से बेहद खास प्रोग्राम पांच का तड़का स्पेशल मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ। आज के पांच का तड़का में है एक पिता और एक बेटी, जी हाँ, अमिताभ बच्चन और साथ ही साथ श्वेता बच्चन, जहाँ अमिताभ बच्चन ने सीटी मारी है। जी हाँ, आप जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में आखिर उन्होंने सीटी क्यों मारी। उसके अलावा है सोनम कपूर, जो कि बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक पर नजर आई, तो वहीं आगे हैं शिल्पा शेट्टी और उससे आगे हैं दिलीप को एक बड़ी राहत जो मिली है। जी हाँ, दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद हैं हीना खान। किस तरीके से हीना खान भी इस बार पूरे तरीके से रैंप पर छाई रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं आखिरकार पांच का तड़का स्पेशल में कौन सी ये पांच तड़कती भड़कती खबरें हैं। बेटी श्वेता बच्चन के लिए अमिताभ बच्चन ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है कि सभी इसकी काफी वाहवाही कर रहे हैं। वेल, अमिताभ बच्चन हाल ही में सीटी मारते हैं। जी हाँ, वीडियोग्राफर को साइड में करने के लिए वो विसल करते हैं, सीटी मारते हैं, ताकि वो अपनी बेटी यानी कि श्वेता बच्चन को अपने फोन के कैमरे से कैप्चर कर सके, उनकी वीडियो बना सके। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन हाल ही में शामिल हुए थे अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ, अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ एक फैशन शो में, और यहाँ पर श्वेता बच्चन को फोन में कैप्चर किया है अमिताभ बच्चन ने। खैर, तस्वीरों के जरिए आपने देखा होगा कि कैसे अमिताभ ने सीटी बचाई है, तो वहीं आपको वीडियो के जरिए भी खास झलक दिखा देते हैं। हाल ही में सोनम कपूर ने वॉक किया है बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक पर और सिंदूर लगाकर रैंप पर नाचती हुई सोनम कपूर ने माधुरी दीक्षित को टक्कर दे दी है। दरअसल कलंक के ही गाने पर सोनम कपूर डांस करती है, घर मोरे परदेसी गाने पर सोनम कपूर ठुमके लगाती हैं। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो।
शिल्पा शेट्टी एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। लेकिन शिल्पा शेट्टी की अगर सबसे ज्यादा बात की जाती है तो उनकी पतली कमर की बात की जाती है। फिलहाल ही में शिल्पा शेट्टी को स्पॉट किया गया है। ये फोटोज हैं तो सड़क के पास कहीं शिल्पा शेट्टी ने ये फोटोज क्लिक कराई हैं, लेकिन ये सुपर डांसर के सेट के पास की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कैसे शिल्पा अपनी पतली कमर को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं, और साथ ही साथ कई तस्वीरों में वो अलग अलग तरह से पोजेस देकर अपनी कमर को मचकाती हुई भी नजर आई। वह सच में ये जो तस्वीरें हैं शिल्पा शेट्टी की दीवाना बना देती हैं फैंस को भी। और इस बार भी आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं आपको शिल्पा शेट्टी इन तस्वीरों में, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। जी हां, अभिनेता दिलीप कुमार को बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश रद्द कर दिया है जिसमें अभिनेता को अपनी पाली हिल संपत्ति पर एक विवाद के साथ 25 करोड़ रुपए की संपत्ति को सुरक्षित करने का वचन देने की मांग की गई थी। और रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो बिल्डर ने मुंबई बांद्रा में अपने बंगले के विकास के लिए, पूर्ण विकास के लिए 2006 के समझौते के समर्थन से 95 साल के अभिनेता से नुकसान में 176 करोड़ रुपए का दावा किया था। रिपोर्ट में हाई कोर्ट जज के हवाले से कहा गया है कि किसी भी कोण से इसे देखते हुए और साथ ही इसे फिर खारिज होने की खबर आई। बिल्डर ने मुंबई बांद्रा में अपने बंगले के साथ ही ये दावा किया था और ये नुकसान का दावा अब रद्द कर दिया गया है। हाल ही में बॉम्बे टाइम फैशन वीक समर 2019 में पहुंची टीवी टाउन की फेवरेट स्टार हीना खान। जी हाँ, यहाँ पर हीना ने रैंप वॉक भी की, मगर हीना ने यहाँ पर ये भी बताया कि किस तरह से जब वो रैंप पर उतरती हैं तो उन्हें काफी ज्यादा डर लगता है। क्या कुछ हुआ देखिए आप हमारे इस खास वीडियो में। बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं। थोड़ा थोड़ा आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे रैंप वॉक के दौरान। वेल, एक्साइटेड होते हैं या नर्वस होते हैं? थोड़ी सी नर्वसनेस होती है डेफिनेटली, बट देन वी आर एक्टर्स, वी काइंड ऑफ कवर इट अप। एंड बट नर्वसनेस से ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, बिकॉज when you are get the privilege to walk as a showstopper for a certain designer, you feel nice. And it was an honor to walk for Sonali. And you know her collection Spark, the name of the collection is Spark, and it is inspired by her own name, Sonali, which means spark. So it's a lovely collection of good colors. If you can see, there's a lot of detailing of Zardozi and tikka sequence and whatnot. There's a lot of Zardozi work on it, and I'm just loving what I'm wearing, you know, this 3D dupatta and everything. Well, camera persons ko side karne ke liye unhone, yani ki Amitabh Bachchan ne सीटी मारी थी, और साथ ही साथ अपनी बेटी श्वेता बच्चन का वो वीडियो बनाते हुए नजर आए। अपने इस खास रिपोर्ट में देखा होगा कि कितनी प्यारी झलक थी पिता और बेटी की है, और साथ ही साथ श्वेता बच्चन बेहद ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके अलावा हमने बात की सोनम कपूर के बारे में, कैसे माधुरी दीक्षित को उन्होंने जबरदस्त टक्कर दी, जहां उन्होंने डांस किया घर मोरे परदेसिया गाने पर, जो कि फिल्म कलंक का ही है। और साथ ही इसके अलावा हम आगे बढ़े और हमने आपको बताया हीना खान के बारे में भी। जी हाँ, हीना खान किस तरीके से इस बार नजर आई बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक पर, और इसके अलावा हमने आपसे बातचीत की शिल्पा शेट्टी को लेकर भी। सुपर डांसर के सेट के आसपास शिल्पा शेट्टी को स्पॉट किया गया था, और शिल्पा किस तरीके से नजर आई आपने जाना होगा। और एक और खबर जुड़ी हुई थी जो कि दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के ऊपर थी। जी हाँ, दिलीप कुमार को एक बड़ी राहत मिल चुकी है। क्या राहत मिली है, क्यों करोड़ों में जो चीजें सामने आ रही थी वो पूरे तरीके से ठीक हो गई हैं, ये भी आपने जाना होगा। वाले था हमारा 5 का तड़का स्पेशल, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।